हेलो गाइज, आई एम अंकित। कैसे हैं आप सभी? आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाउन है, संज्ञा। हमने पार्ट ऑफ स्पीच किए थे लास्ट वीडियो में, उसी का एक पार्ट है नाउन। और नाउन क्या होता है ये मैंने इसकी डेफिनेशन उस पार्ट ऑफ स्पीच की जो वीडियो थी उसमें दी थी कि इट कैन बी अ नेम ऑफ पर्सन, क्रिएचर, क्रिएचर प्लेस थिंग आल्सो। कि इट कैन बी अ नेम, इट कैन बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, क्रिएचर। क्रिएचर का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राणी होता है, चाहे वो पशु हो जाए या फिर आदमी हो, लड़की हो, लड़का हो, क्रिएचर के अंदर ही आते हैं वो। एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि निराकार, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो संज्ञा होती है, जो किसी प्रसन्न, किसी स्थान, किसी वस्तु, किसी जगह का नाम या किसी प्राणी के नाम का बोध कराए, वो क्या होती है, संज्ञा, नाउन कहते हैं उसको। और जैसे कि नाउन मैंने बोला था पहले कि किसी का नाम हो गया अमित, कोई जगह का नाम हो गया टेली, वस्तु हो गई पैन, काउ, क्रिएचर, एब्स्ट्रैक्ट हो गया जैसे हेट, ये सब क्या है, नाउन है। अब नाउन के जो पार्ट होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं। नाउन कितने टाइप्स के होता है? देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन फाइव टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन। एंड जो लास्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये फाइव टाइप्स के होते हैं नाउन, फाइव टाइप के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जो सबसे पहला है नाउन, प्रॉपर नाउन, उसको समझते हैं होता क्या है। जो प्रॉपर नाउन होता है किसी एक पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, क्रिएचर का नाम, वो हमें बताता है, उसको बोध कराता है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, नाउन प्रेजेंट द, रिप्रेजेंट द प्रॉपर नाउन रिप्रेजेंट द नेम ऑफ, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा, थिंग एटसेट्रा, इनका बोध कराती है। वह पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में बताती है, कोई पर्टिकुलर है, विशेष है, जैसे राम हो गया, राम, राहुल, ये एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, पर्टिकुलर कोई पर्सन है उसका नाम बता रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब जैसे कोई जगह है, जगह तो वैसे हजारों हैं, बट कोई पर्टिकुलर जगह है, अम्बाला है, ये पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहा है, ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। थिंग है जैसे, थिंग जैसे टेबल होगी, टेबल, फैन, ये सब क्या है, पर्टिकुलर नाउन, प्रॉपर नाउन होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी जगह के नाम के बारे में बताए, किसी पर्सन के नाम के बारे में बताए, कोई वस्तु है उसके बारे में बताए, जिससे हमें ये पता चले कि हाँ ये वो वस्तु है, इसका ये नाम है, फैन है ये पेन है, ये ब्लैक बोर्ड है, मैं अंकित हूँ, वो अमित है, ऐसे जिसको वो एक रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। उसके बाद है हमारा सेकंड कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं,
प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब सेकंड वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जाति। अब जातिवाचक संज्ञा ये नहीं है कि हम किसी की जाति के बारे में बताते हैं, नहीं। कोई जातिवाचक संज्ञा वो है जो किसी का क्लास के बारे में बताती है, क्लास कि इसकी क्लास क्या है। जैसे एग्जांपल से पहले इसकी हम देख लेते हैं डेफिनेशन। अ कॉमन नाउन इज, अ कॉमन नाउन इज रिप्रेजेंट टू अ पर्सन प्लेस, टू अ पर्सन प्लेस थिंग कॉमनली, कॉमनली। जो एक कॉमन रूप के बारे में बताता है, कॉमन बताता है। जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था प्रॉपर नाउन का, अंकित, अमित, राहुल, राम, डेली, अंबाला, ये प्रॉपर नाउन थे। अब जैसे कि अब पर्सन है, पर्सन तो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, ठीक है, किसी की क्लास होती है वो। जैसे बॉय है बॉय, गर्ल गर्ल, और क्लास गर्ल बॉय, गर्ल ही होगी। ये एक कॉमन नाउन के बारे में बताता है हमें। जैसे कि बॉय है, अब मान लो कोई चार बॉय है, चार बॉयज हैं वहाँ पे, राम है, अमित है, सोहन है, मोहन है, मगर उनकी जो क्लास है वो क्या है? बॉय है, वो लड़के हैं। ऐसे ही लड़की है, जैसे कोई ऐश्वर्या हो गई है, कैटरीना हो गई है, सुष्मिता हो गई है, रेनू हो गई है, वो लड़कियां हैं, मगर नाम तो उनके अलग अलग हैं, बट उनके जो क्लास है वो क्या है? गर्ल्स है, गर्ल है। जहाँ पे हमें एक किसी चीज़ का पर्टिकुलर विशेष, एक पर्टिकुलर जो नेम है उनका ना पता चले, बल्कि उनकी एक क्लास का पता चलता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा बनता है, जैसे कि अब लीडर है, लीडर एग्जाम्पल को देख लो, लीडर, लीडर भी बहुत सारे हैं, नेता बहुत सारे हैं। यहाँ पे हमें लीडर का पता चला, मगर किसी विशेष लीडर का नाम अगर हमें पता चलता तो क्या था वो? प्रॉपर नाउन। मगर हमें ये है कि वो लीडर है, हमें उसका नाम नहीं पता, मगर वो लीडर की कैटेगरी में आता है, उसकी क्लास में आता है, तो क्या हो जाता है? वो कॉमन नाउन। ठीक, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट जो बनता है वो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह, समूह यानी एक ग्रुप, किसी का भी ग्रुप हो सकता है। अभी आपको एग्जांपल के थ्रू पता चलेगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है कि अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप, अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग, ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स एटसेट्रा, कि वस्तु के समूह हो गया, पर्सन का जो ग्रुप हो गया उसके बारे में हमें बताता है, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि कोई ग्रुप हो गया, अब प्लेयर है, किसी टीम के प्लेयर हैं, वो सारे मिलके क्या बन जाते हैं? एक टीम बन जाती है, तो ये क्या बन गया? एक ग्रुप बन गया। अब आर्मी है, आर्मी क्या है? बहुत सारे सोल्जर्स एक आर्मी को बनाते हैं। किसी अकेले सोल्जर से तो एक आर्मी नहीं बनती, जब बहुत सारे हो जाते हैं, सोल्जर्स मिल जाते हैं, सैनिक मिल जाते हैं, तब जाके क्या बनती है? आर्मी बनती है। अब जैसे एक क्लास है, क्लास, अब क्लास एक स्टूडेंट से तो बनेगी नहीं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उनको मिला के क्या बन जाती है? क्लास। यानी कि कोई ग्रुप होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का या किसी पर्सन का, उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन।
टीम हो गया, आर्मी हो गई, क्लास हो गई। क्लास ये सब मिलके लोगों का जो एक समूह बन जाता है, मिलके एक ग्रुप बन जाता है, उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे टीम हो गई, आर्मी, क्लास। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है मैटीरियल नाउन। कौन सा है? मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन को क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि आपको पहले से पता चल गया कि मैटीरियल है, जिसके बारे में मैटीरियल के बारे में बोध कराए, जो धरती से पैदा होती है वो सारी क्या आती है, मैटीरियल्स के अंदर आती है। मैटीरियल्स की जो डेफिनेशन होती है, अ कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप, सॉरी अ मैटीरियल नाउन इज अ नेम ऑफ मैटीरियल। अ मैटीरियल नाउन, अ मैटीरियल नाउन, अ मैटीरियल नाउन इज अ नेम, इज अ नेम ऑफ मैटीरियल एंड सब्सटेंस। मैटीरियल और सब्सटेंस, सब्सटेंस मैटीरियल, जो मैटीरियल यानी कि पदार्थ के बारे में बताता है वो कहता है मैटीरियल नाउन, सब्सटेंस, सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल है गोल्ड, गोल्ड कहते हैं सोना, सिल्वर, चांदी, ये सब क्या है, मटेरियल है। आयरन, लोहा, वुड, लकड़ी भी क्या है, मटेरियल है, लकड़ी। ये सारे कहते हैं मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। यानी कि जो हमें मटेरियल्स के बारे में बताए, पदार्थ के बारे में नॉलेज कराए, उसका ज्ञान दे, उसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आखिर रह जाता है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने पहले बताया था कि निराकार होता है, भाववाचक, जिसके अंदर फीलिंग होती है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाव से ही पता चल रहा है कि किसी की फीलिंग है, किसी की इमोशन है, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। दिस नाउन यूजुअली, दिस नाउन यूजुअली रेफर्स द नेम, refers the name or quality, action and state। यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसके बारे में, किसकी क्वालिटी बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, सॉरी किसके नाम के बारे में बताता है, क्वालिटी, उसका एक्शन, उसकी स्टेट, यानी कि उसके अंदर क्या गुण है, उसकी जो क्रिया वो क्या है, स्टेट है यानी कि उसकी क्या अवस्था है, उसके बारे में बताता है। इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे क्वालिटी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ऑनेस्ट है, कोई ब्रेव है। जैसे कि क्या दिया कि मोहन इज अ ब्रेव बॉय, उसकी क्या है, क्वालिटी है कि वो एक ब्रेव है, बहादुर है, तो ये क्या हो गया, ब्रेव। अब जैसे क्वालिटी होगी गुड, राम इज अ गुड बॉय। अब जैसे ये बोल दें कि सोनी इज अ बैड बॉय, ये उसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में, नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, उसके बारे में रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटी आ गई उसके अंदर, बैड हो गया, गुड हो गया, ब्रेव हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ऑनेस्ट कि मोहन ला लीजा, ऑनेस्ट पर्सन। सेकेंड है जैसे कि एक्शन है, एक्शन यानी कि उसकी क्रिया, क्रिया जैसे कि
कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से नफरत करता है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, वो सारे क्या आते हैं, एक्शन के अंदर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया हमने, हेटर, लव, लाफ्टर, ये सारे क्या हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब लास्ट है जो हमारा स्टेट, स्टेट क्या है, हमारी अवस्था, अवस्था यानी कि चाइल्डहुड है, वो किसमें है, बचपन में है, बचपन है उसके, चाइल्डहुड। नेक्स्ट हो गया जैसे कि यंग, यंग उसकी अवस्था जैसे कि क्या हो गया, रिचनेस, अमीर है, पॉवर्टी है, गरीब है, गरीबी है उसके अंदर, अमीरी है, ये सारी क्या स्टेट है, उसकी अवस्था है। तो ये जिनके बारे में, इसके बारे में, एक तो क्वालिटी के बारे में, एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में, जो रिप्रेजेंट करता है, जो हमें उसका बोध कराती है, उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। आप लोगों को ये सारी समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से देख लीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो एक्शन की या क्वालिटी की या स्टेट के बारे में हमें बताता है, उसके हमें बोध कराता है, वो सारे क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी है, कोई ऑनेस्ट है, कोई ब्रेव है, कोई बैड है, और एक्शन, एक्शन जैसे कोई किसी से नफरत करता है, हेटरेड है, कोई किसी से प्यार करता है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, वो सारे करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और जैसे स्टेट है, किसी की अवस्था, कोई जवान है, कोई बचपन है, कोई बूढ़ा है, वो सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही आते हैं ये सारे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर कुछ एज ए नाउन यूज करते हैं, कुछ एज ए वर्ब यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज ए नाउन यूज करते हैं और एज ए वर्ब यूज करते हैं। लव इज लाइफ। अब लव क्या है, हमने एज ए नाउन यूज किया है, एज ए नाउन, नाउन के ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसी लव को हम वर्ब में यूज कर लेते हैं, जैसे आई लव यू, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये क्या है, एज ए वर्ब यूज किया है। अब ऐसे ही अब एक और देख लेते हैं, एड्रेस, एड्रेस। अब ये जो एड्रेस है ना, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है ये अलग होती है, जैसे कि एड्रेस, एड्रेस होता है पता, क्या होता है, पता। अब इसकी जो ये प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, ये एड्रेस होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मे आई हैव यू, मे आई हैव योर एड्रेस, एड्रेस, एड्रेस। तो ये किसके रूप में हमने यूज किया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया, एड्रेस। अब एड्रेस का एक मीनिंग और होता है संबोधित करना, एड्रेस। उसकी जो उच्चारण होता है वो क्या होता है, उसका उच्चारण होता है एड्रेस, ये एड्रेस था, ये एड्रेस, ये होता है संबोधित करना, किसी को पुकारना संबोधित करके। जैसे कि एग्जांपल है कि किसी का नाम है, अगर मैं उससे पूछूं कि हाउ डू आई एड्रेस यू, कि मैं आपको कैसे बुलाऊं, आपका नाम लेके बुलाऊं, सर बोलूं, कैसे बोलूं, हाउ डू आई एड्रेस यू, कि मैं आपको कैसे पुकारूं, कि आपको सर बोलूं, आपको ब्रदर बोलूं, क्या बोलूं, तो वहां पे हम एड्रेस का यूज करते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे पता के लिए एड्रेस होता है, और अगर हम संबोधित के लिए यूज करें तो होता है एड्रेस। ठीक, आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज से मैंने आपको एक, हर रोज आपको एक इडियम दिया करूंगा, इडियम, मुहावरे, इडियम, मुहावरा, ताकि आप आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप उसको यूज कर सके। आज का जो मुहावरा है कि रात गई बात गई, कहते हैं ना भाई, रात गई बात गई, छोड़ो इसको, जो हो गया सो हो गया। इसको बोलते हैं लेट बाई बोन्स
लेट वाई बॉन्ड्स बी वाई गोन्स, बी बाई गोन्स, ये मुहावरा हो गया हमारा। और दो वर्ड आज के जो वर्ड हैं, वर्ड ऑफ द डे, वो है सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस क्या होता है? अंधविश्वास, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी बोलते हैं उसको। सुपरस्टिशन होता है अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वासी, अंधविश्वासी जो अंधविश्वास के अंदर बिलीव करता है उसको सुपरस्टिशियस बोलते हैं। और एक और होता है बायर, बायर होती है गौशाला, क्या होती है? गौशाला। ये आज के टू वर्ड्स हैं और एक इडियम हो गया, लेट बाई बोन्स बी बाई बोन्स, रात गई बात गई, सुपरस्टिशियस अंधविश्वासी, सुपरस्टिशन अंधविश्वास, और बायर होती है गौशाला जिसमें गौए बहुत सारी रहती हैं, और उसको क्या बोलते हैं? गौशाला। आई थिंक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। और आप सभी से मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो बनाऊँ। थैंक यू वेरी मच।